उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खो खो की नेशनल खिलाड़ी रह चुकी युवती की शुक्रवार को बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। युवती ने हत्यारों से यूं ही हार नहीं मानी, उसने खूब संघर्ष किया, जिसकी गवाही उसकी नाक से बहता खून और टूटा हुआ दांत दे रहा था। हालांकि इस संघर्ष के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गई। शहर की एक कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय युवती खो खो की बेहतरीन खिलाड़ी रही, इस कारण उसे एक दरिंदे द्वारा काबू करने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। घटनास्थल पर युवती जब परिजनों को मिली तो उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके साथ इतनी मारपीट हुई कि उसका एक दांत भी टूटा हुआ था। उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया गया। इससे अंदाजा लग रहा है कि हत्यारों के साथ युवती भिड़ गई थी और विरोध करने पर दरिंदों ने उसके साथ मारपीट की। जिस स्थान पर युवती की लाश मिली उसके पास से होकर ही युवती की कॉलोनी के लोग आते जाते रहते हैं। जब युवती की ताई उधर से गुजरी तो उसने उसे कुछ दूर स्लीपर घाट के बीच पड़े देखा, जिसे देखते ही होश उड़ गए। जैसे तैसे उसने परिवार को सूचना दी, तुरंत परिजनों के साथ वहां भीड़ लग गई। जहां युवती का शव मिला उसका बैग भी पास में ही पड़ा था। वही इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर सीमा मामले में उलझ गई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक दोपहर 11:46 पर युवती जाती दिखाई दी है। इसके बाद करीब 1:46 पर वह आती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ न जाते समय कोई व्यक्ति है और न ही आते समय दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना लौटते समय हुई है। डॉक्टर धर्मीर सिंह SP बिजनौर, उनका कहना है कि घटना की सूचना पर कोतवाली शहर पुलिस को भेजा गया था। यह मामला GRP क्षेत्र का है, इसलिए उसी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग स्क्वाड टीम और कोतवाली शहर पुलिस को भेजकर मामले की जांच कराई गई थी। वही सर्वेज खान GRP प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जब मुझे घटना का पता चला तो मैं टीम के साथ बिजनौर के लिए रवाना हो गया। शाम के समय यहां पहुंचा हूं, अभी हम मुकदमा ही दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा GRP अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा तो ले लिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर दोषियों पर FIR कर कार्रवाई कब की जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।